हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। तो आज तारीख है 10 और लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार करते हैं आज ही मेरा छोटा बेटा बताएगा। तो देखिए, ये 7 साल का है, ये लड्डू गोपाल की सेवा करता है। जिस प्रकार मैं करती हूँ उसी प्रकार मैंने अपने बच्चों को भी सिखाई है लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं। तो ये लड्डू गोपाल को सबसे पहले जगाएंगे और ये बहुत ही प्यार से लड्डू गोपाल को जगाता है। इतना तो मुझे भी नहीं आता है जिस प्रकार ये लड्डू गोपाल को जगाता है। तो देखिए, पहले तो इन्होंने कंबल हटा दिया है और लड्डू गोपाल को जगाने का प्रयास चल रहा है। लड्डू गोपाल देखिए उठाकर बिठा दिए हैं इन्होंने। बड़े वाले लाला जग चुके हैं और ये छोटे वाले लाला को जगाया जा रहा है अब। तो जिस प्रकार बच्चों को सेवा करनी आती है उस प्रकार कर रहे हैं और मैं इनसे करवाती भी हूँ, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारे धर्म की इनको पहचान हो, हमारे पूजा पाठ को ये सीखें। सबसे पहले अगर आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हो और बच्चों को मन नहीं लगता है पूजा पाठ में, तो सिर्फ एक ही काम करें। मैंने अपने लड्डू को बच्चों को सबसे पहले यही सिखाया था कि सूर्य देवता को जल अर्पण करें, जल चढ़ाएँ। स्नान करने के पश्चात सूर्य देवता को जल अवश्य चढ़ाएँ। बच्चों को ये सिखाएं सबसे पहले, उसके बाद धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि आपके बच्चे का पूजा पाठ में मन लगने लगेगा। तो देखिए, छोटे लाला को स्नान कराने लगे हैं ये। अब ये पोंछ रहे हैं इनकी हैंकी से, टॉवल से। मैंने कहा आज वैसे तो सेवा ये हर रोज़ ही करते हैं, थोड़ी थोड़ी करते हैं, कि कभी लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया, कभी दूध पिला दिया, कभी उठा दिया या कभी सुला दिया स्नान करने के पश्चात ही। पर आज सारी सेवा इन्होंने की है, ये 7 साल के बच्चे हैं। तो देखिए कितने अच्छे से इन्होंने सेवा की है और इनका साक्षात प्रमाण भी मैं दूंगी लड्डू गोपाल ने इनकी सेवा स्वीकार किस प्रकार की है। तो देखिए, बड़े लाला को भी स्नान करा रहे हैं इस प्रकार। ये भोग भी लगाते हैं अपने लड्डू गोपाल को और बहुत ही प्यार के साथ, भाव के साथ ये लड्डू गोपाल को भोजन कराते हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल स्नान कर चुके हैं, छोटे वाले बैठे हुए हैं कंबल ओढ़ के, बड़े वाले स्नान कर चुके हैं। इसके बाद इनको वस्त्र पहना के इनको रेडी कर देंगे। जो इनको नहीं करना आता है उसमें मैं इनकी हेल्प करती हूँ और कोशिश करती हूँ इनको अपने हिंदू शास्त्र के अनुसार सारी चीज़ें बताने की, सिखाने की। देखिए, मैं और बड़े लड्डू गोपाल जब से आए हैं थोड़ा कम सेवा करवाती हूँ, क्योंकि वो भारी हैं, ये उठा नहीं पाते, थोड़ा कम ही। जैसे सुलाना होता है तो सुलाने के लिए बोल देती हूँ, भोग लगाना होता है तो भोग लगाने के लिए। और साथ में मैं इनकी रहती हूँ, इनको बताती हूँ कि इस प्रकार करना चाहिए। बच्चों को नहीं पता होता है, जब हम सिखाएंगे तभी हमारे बच्चे सीखेंगे। तो देखो, इन्होंने चंदन का घिसके तिलक लगा दिया है लड्डू गोपाल को, वस्त्र पहना दिए हैं इनको, अब फूल अर्पण करेंगे। देखिए, फूल भी चढ़ा दिया है और इनसे मैं जोत नहीं जलवाती हूँ, मैं खुद ही इनको जला के दी हूँ। बच्चे को माचिस से और आग से दूर ही रखें, तो इसलिए दीपक मैंने खुद ही जला के दिया है। और इनको आरती करना भी ठीक से नहीं आता है कि दोनों हाथों से दीपक घुमा लें और घंटी भी बजा लें। देखिए, अब ये भोग लगाएंगे। मैंने इनको ये सब नहीं बताया है कि ठंडा या गर्म, तो ये खुद ही देखते हैं। ठंडा होता है तो मैं गर्म करके देती हूँ दूध, और गर्म होता है तो ये ऐसे फूंक मार के इसको ठंडा करके ही पिलाते हैं। इनको पता है ये छोटे बच्चे हैं लड्डू गोपाल, तो इनको गर्म होगा तो गर्म लगेगा, इसलिए नॉर्मल करके ही जैसे खुद देते हैं वैसे ही पिलाया है इन्होंने। और देखिए, अब ये भोग लगा रहे हैं मिश्री का, साथ में प्लेट में मिश्री भी रखी हुई है। स्नान करने के बाद, पूजा करने के बाद लड्डू गोपाल को भोग लगाएं, दूध का, मिश्री का, अगर आपके पास माखन है तो माखन का भी लगा सकते हैं। तो देखिए इनकी, अब ये थोड़ा 1 घंटे बाद लेकर के आ गए हैं भोजन। भोजन नहीं मतलब, ये थोड़ा इनका भोग लगाएंगे, इसका भोजन तो अभी 1 घंटे बाद फिर से इनको लगाएंगे। हम दिन में 3 से 4 बार लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं। तो इसमें इन्होंने बादाम रखे हैं और काजू रखे हैं, नहीं काजू नहीं है, मूँगफली हैं, बादाम हैं, और ये नमकीन लेकर के आए हैं लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए। तो देखिए, इस प्रकार इन्होंने ताली बजाकर या घंटी बजाकर भोग लगा दिया है और तुलसी का पत्ता रखा हुआ है नमकीन के साथ में। तो तुलसी दल अवश्य रखें। देखिए, तो लड्डू गोपाल का भोग लग चुका है। उसके बाद अब हम जैसे 11 बजे या फिर 11:30 या 12 बजे के समथिंग जब भोजन पकाएंगे, तो लड्डू गोपाल का भोग भोजन का लगाएंगे। अभी इनका हम भोग लगा चुके हैं। तो जो आपके घर में अवेलेबल है
आप उसका भोग लगा सकते हैं। यह हमारी मॉर्निंग रूटीन की पूजा है और भोग है। हम इसी प्रकार अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, उठाते हैं और उनको स्नान कराते हैं और शुद्ध स्वच्छ कपड़े पहनाते हैं। तो आज की पूजा मेरे ये बच्चे छोटे वाले ने की है, ये 7 साल का मेरा पुत्र है। तो देखिए कितने अच्छे से इन्होंने अपने लड्डू गोपाल की सेवा की है, और इनको लड्डू गोपाल की सेवा करना और बहुत ही अच्छा लगता है, और इनकी ये बातें समझते हैं बहुत, ये इनके साथ चमत्कार भी करते हैं, बात भी करते हैं, और तो ये बताते रहते हैं, पर मैं कहती हूँ नहीं ऐसा नहीं है, पर बच्चों के साथ ये बच्चे बन जाते हैं, लड्डू गोपाल तो हैं ही हैं बच्चे। तो देखिए अब हम भोजन पका लेते हैं, उसके बाद फिर आपके साथ वीडियो और आगे की शेयर करते हैं। तो हम देखिए चलते हैं अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए। हमने भोजन में लड्डू गोपाल के लिए आज बनाई हैं बथुए की पूड़ियाँ और दही के साथ इनको हम भोग लगाएंगे। तो भोग यही लगाएंगे, लाला ले आए हैं लाला के लिए भोग लगाने के लिए। तो चलिए देखिए भोजन तैयार है लड्डू गोपाल का। ये अब गर्मा गर्म पूड़ियाँ हैं बथुए की, तो देखिए ठंडी करके फिर उसके बाद इन्होंने भोग लगाया अपने लड्डू गोपाल का। इनको दही से और दही माखन मिश्री ये सब बहुत पसंद होता है, तो गर्मा गर्म पूड़ियाँ जैसे हमको पसंद होती हैं वैसे ही लड्डू गोपाल को पसंद है। तो इनको दही के साथ चीनी डाल के या मिश्री डाल के आप दही में उनको भोग लगा सकते हैं, और तुलसी का पत्ता तो ज़रूर ज़रूर ही डालना है। अगर आपको तुलसी नहीं मिलती है तो आपके पास तुलसी माला है, आपने पहन रखी है या लड्डू गोपाल ने पहन रखी है, आप उसको स्पर्श करने के पश्चात आप लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। इस वीडियो में मैंने ही बोला है क्योंकि इधर उधर की आवाज़ आती है, इसलिए देखिए हमारे लड्डू गोपाल का भोग लग चुका है। अगर साथ में ही हम आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं तो बहुत सारी इधर उधर की आवाज़ें आती हैं, इसलिए ये बच्चे ने नहीं बोला है, वरना मुझसे ज़्यादा अच्छे से तो ये लड्डू गोपाल के लिए ये भाव रखता है बच्चे। तो बच्चे बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, तब बोलते हैं लड्डू गोपाल को भोग लगाते समय, बहुत ही प्यार से खिलाते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में।